नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। 85 साल के कोरोना पीड़ित बुजुर्ग ने 40 साल के युवक के लिए बैट छोड़ा, बोले मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन में सोनिया और राहुल गांधी के अपमान का आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंपनी के ऑफिस में घुसकर की तोड़फोड़। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा वैक्सीन मिलेगी तभी तो होगा सभी का टीकाकरण। महाराष्ट्र के बीड में एक एम्बुलेंस में 22 बॉडी ठूस दी, शमशान में एक चिता पर तीन तीन शवों का अंतिम संस्कार। थाने के हॉस्पिटल में भीषण आग, आईसीयू के मरीजों को शिफ्ट करते समय 4 की मौत, 20 को बचाया गया। महाराष्ट्र से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज। We'll be right back.